فاتحه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا بالقاصم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا कुरान मजीद में इश्द फरमाता है वो क़ुरान जो अज़ीम तरीन किताब है वो मोहकम शान किताब है सुबह क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब है जिसका मुहाफिज अल्लाह है उस क़ुरान में खाल कलाम अर्शाद फरमाता है कि अल्लाह ने ये इरादा कर लिया अहल वैत कि आपसे हर तरह के रिश् को दूर रखे हर तरह की बुराई को दूर रखे और आपको पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक़ ने ग्रामी सिलसिले कलाम और मजालिस आपके के जहन में होगा ये अशर मजालस जिसमें हमारे और आपके दरमियान गुफ्तु इस बात पर है कि हम अहबैत को क्यों मानते हैं इस सिलसिले में मैंने दो दिन से आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ अर्ज़ करने की कोशिश की है और दो दिन से मैं कुछ आपकी ख़िदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ चुनाचे कल मैंने आपकी ख़िदमत में अर्ज़ किया था कि नौजवान ज़हन ये सोच सकता है कि हम अहल बैत ही को क्यों मानते हैं जबकि इस राह में हमारे ऊपर तशद है इस राह में हमारे ऊपर जुल्म है इस राह में परेशानियां हैं इस राह में हमारे ऊपर हमले हैं इस राह में आके हम दहशत गर्दी का शिकार होते हैं तो इस सिलसिले में कुछ मुख्तसर मैंने कल आपकी ख़दमत में अर्ज़ किया था आज अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ तो सबसे पहला मेरा जवाब ये है कि देखिए इंसानी ज़िंदगी बहुत मख्तसर है और इंसान की ज़िंदगी चंद रोज़ा ज़िंदगी है इंसान जो इस दुनिया में आया तो कोई बहुत लंबी ज़िंदगी और लंबी हयात लेके नहीं आया हम ये नहीं कह सकते कि इंसानी हयात 500 बरस की है इंसानी हयात 800 सौ बरस की है इंसानी ज़िंदगी हज़ार बरस की है दो हज़ार बरस की है पाँच हज़ार बरस की है हमसे कहीं ज़्यादा उम्र के जानवर मौजूद हैं जिनकी उम्रें हमसे कहीं ज़्यादा होती हैं हमसे ज़्यादा उम्र के दरख्त मौजूद हैं जिनके उम्रें कई कई सौ बरस तो कई कई हज़ार साल हैं तो दरख्तों की उम्रें भी हमसे ज़्यादा हैं जानवरों की उम्रें भी हमसे ज़्यादा हैं मगर इस तूल तूल कायनात में इस तूले इन, इस कायनात में इंसानी उम्र बहुत कलील है बहुत मुख्तसर है हम चंद रोज़ा ज़िंदगी लेके पैदा हुए चंद रोज़ा हयात है हमारी साठ साल अस्सी साल नब्बे साल और बहुत जी लिए बहुत जी लिए तो एक सेंचुरी लगा ली सौ बरस मैं वो बहस आपकी ख़िदमत में इस वक्त करने नहीं बैठा हूँ कि सौ बरस का इंसान कितना एक्टिव होता है सौ बरस का इंसान कितना फ़ाल है सौ बरस का इंसान क्या उसी तरह से दौड़ता धूपता है काम काज करता है आता जाता है मिलता जुलता है जैसा पच्चीस बरस तीस बरस चालीस बरस पचास बरस का इंसान काम करता है तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि इंसान की जिंदगी अगर हम बहुत मान लें तो अस्सी बरस नब्बे बरस सौ बरस लेकिन इस तूले तारीख़ में इस लंबे सफ़र में इस कायनात की लंबी उम्र में सौ बरस की हैसियत क्या है सौ बरस का मर्तबा क्या है न सौ बरस की कोई हैसियत है न सौ बरस की कोई औकात है लेकिन वो ज़िंदगी जो हमेशा हमेशा के वास्ते मिलेगी वो ज़िंदगी जो हमेशा हमेशा की है वो सफ़र हमारा जो हमारी आँख बंद होने के बाद शुरू होता है वो लंबा सफ़र है और वो वो है कि जहाँ पर हम हमेशा हमेशा रहेंगे तो हम अपने चंद बरस के वास्ते 150 बरस के लिए हम अपना हमेशा हमेशा का सफ़र ख़राब कर लें हमेशा हमेशा के जहाँ रहना है वहाँ के दरवाज़ों को बंद कर लें ये अक्लमंदी नहीं है ये होशियारी नहीं है ये समझदारी नहीं है मिसाल के तौर पर मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ मैं रहता लखनऊ में हूँ और मेरा वतन लखनऊ है मुझे वापस पलट के लखनऊ जाना है मैं दस दिन के वास्ते बम्बई आया बम्बई में, में मेरा क़्याम दस दिन रहा तो यह तो कोई अकलमंदी ना हुई यह तो कोई दानिशमंदी ना हुई कि जहाँ मैं दस दिन के वास्ते आया हूँ वहाँ कुछ ऐसा कर जाऊँ कि जहाँ मुझे रहना है जो मेरा वतन है जहाँ मुझे रहना है अपनी आँख बंद होने तक वहाँ के लिए हमेशा हमेशा अपने वास्ते दरवाज़े बंद कर लूँ इसका यह मतलब भी नहीं है कि जहां मैं दस दिन के वास्ते आया जहां मैं बारह दिन के वास्ते आया जहां मैं पंद्रह दिन के वास्ते आया वहां के ऊपर भी अपने को मैं ख़राब करूं? नहीं ये मेरा मतलब नहीं है मगर यह भी कोई अकलमंदी और दानिशमंदी और होशियारी नहीं है कि वो जो मेरा वतन है जहां मुझे हमेशा रहना है वहां के वास्ते वहां के सारे ताल्लुकात वहाँ के तमाम रवाबित वहाँ का तमाम मिलना जुलना उसको मैं चंद दिन के वास्ते के लिए खराब कर लूँ और बर्बाद कर लूँ वही मामला कुछ आखरत का भी है दुनिया में हम चंद्रोस के वास्ते आए चंद्रोस के लिए आए जहाँ हमें हमेशा हमेशा के लिए रहना है वहाँ के दरवाज़ों को हमें अपने ऊपर बंद नहीं करना है मौत एक दिन आके हमें अपने गले से लगाएगी एक दिन मलकुल मौत आएगा वो फरिश्ता हमारे जिस्म से रूह निकाल के लेके चला जाएगा तो हम चंद दिन के वास्ते चंद दिन की ज़िंदगी के वास्ते चंद दिन के ऐशो आराम के वास्ते चंद दिन की लज्ज़तों के वास्ते चंद दिन की साफ सलामत के वास्ते उन लोगों से अपने हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुकात ख़त्म कर लें कि जिनके हाथों में हमारी नजात भी है जिनके पास हमारी बख्शिश का सहारा हैं जो जन्नत के मालिक भी हैं जन्नत के तकसीम करने वाले भी हैं उनके वास्ते है तो अजीरान गिरामी हमने बहुत सोच के बहुत समझ के बहुत गौर करके बहुत फिक्र करके अपने जहन के सारे दरवाजों को खोल के हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें अहले बैत के रास्ते पर चलना है अहले बैत के रास्ते पर बाकी रहना है हमें कुछ हो जाए दामने अहले बैत अपने हाथ से नहीं छोड़ना है हम अहले बैत को मानते हैं हम मानते रहेंगे इस सिलसिले में अजीजान ग्रामी, कल मैंने कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश की थी आज सिलसिला बयान आगे बढ़ाऊं इसलिए कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाता है कल मैंने एक इशारा किया था आपकी खदमत में कि तीन गरोह हमको नजर आते हैं जो रसूल अल्लाह से अपनी कराबत और अपनी रिश्तेदारी का दम भरते हैं एक असहाबे रसूल हैं दूसरे अजवाज रसूल हैं और तीसरे अहले बैत रसूल हैं अजवाज रसूल अब रसूल और अहले बैत रसूल मुझे खुद से अपनी तरफ से किसी के वास्ते कोई कमेंट नहीं करना है इसलिए कि ये सब के सब एक बहुत बड़ी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़ात जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ज़ात है सबकी उनसे रिशेदारियाँ और ताल्लुक़ है असहाब का ताल्लुक़ भी रसूल से है अजवाज का ताल्लुक भी रसूल से है अहलेवैत का ताल्लुक भी रसूल से है हम चौदह सौ बरसबाद के मुसलमान हैं ना हम असहाब के बारे में कुछ बयान कर सकते हैं ना अजवाज के बारे में अपनी ज़बान खोल सकते हैं ना अहलेवैत के मतलब कुछ हम सोच सकते हैं सबके वास्ते हमारी ज़बाने बंद हैं हमारा सर उनके सामने खम है अदब है तहजीब है तमाम हदूद सफ़े बांधे खड़े हुए हैं लेकिन अब अगर किसी छोटे के बारे में किसी बड़े के बारे में हमें मालूम करना है किसी बड़े के बारे में हमको कुछ दरियाफ्त करना है तो हम उसके छोटे से उसके बारे में दरियाफ़्त नहीं करेंगे हम उसके बड़े से उसके बारे में दरियाफ्त करेंगे उसके बड़े से उसके बारे में मालूम करेंगे यह अक्लमंदी नहीं है कि हम छोटे से बड़े के बारे में मालूम करें नहीं बड़े से छोटे के बारे में मालूम करेंगे तो कायनात आलम व आदम में दो हमें बड़े नज़र आते हैं एक सबसे बड़ा हमारा खालिक है अल्लाह है और एक उसके बाद उसका रसूल है चूँकि ये तीनों तबके ये तीनों ग्रुप ये तीनों तरह के लोग सरकारी रसालत से ताल्लुक़ रखते हैं रसूलुल्लाह से जुड़े हुए हैं अपनी रिश्तेदारियां रसूलुल्लाह से बताते हैं लिहाजा हम रसूलुल्लाह से भी इनके ताल्लुक़ से सवाल नहीं करेंगे हम बिल्कुल गैर जानबदार रह के हम बिल्कुल इम्पार्शल रह के हम अल्लाह की सरकार में अल्लाह से हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि मबूत पालने वाले हम बहुत बात के मुसलमान हैं हम चौदह सौ बरस बात के मुसलमान हैं तू हमारी रहनुमाई कर तू हमें रास्ता दिखा तू हमें सही और गलत की तमीज़ करने की ताकत और सलाहियत दे और तू हमको उन बुजुर्गवारों के बारे में बता जिनका सीधा ताल्लुक सरकार मर्तबत से है हमने हाथ जोड़ के अल्लाह की सरकार में सवाल किया तो जवाब परवरदिगार हमें नजर आया कि हमारी किताब तुम्हारे दरमियान मौजूद है किताबुल्लाह तुम्हारे दरमियान है तुम हमारी किताब से सवाल करो हमारी किताब से पूछो हमारी किताब तुम्हारे सवालत का जवाब देने के वास्ते काफ़ी है तो हमने हाथ जोड़ के अल्लाह की किताब से सवाल किया हमने हाथ जोड़ के अल्लाह की किताब से पूछा एक किताबुल्लाह आए अल्लाह की किताब आए वो जिसको अल्लाह ने भेजा और अल्लाह ने नाजिल किया आए किताबुल्लाह, तू हमारी रहनुमाई कर तू हमें रास्ता दिखा तू हमें उनके बारे में बता जो रिश्तेदारियाँ रसूलुल्लाह से जुड़ती हैं जो करवाबतदारियाँ रसूल की ज़ात पर आके तमाम होती हैं वो रिश्ते जो हजूर सरवर कायनात की जात से निकलते हैं उनके बारे में हमें बता इसलिए कि हम उम्मती हम मुसलमान हम इल्लल्लाह कहने वाले हम मोहम्मद कहने वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं हमारी रहनुमाई हो सके इसलिए कि हमें नजात चाहिए है हमें आखिरत चाहिए है हमें जन्नत चाहिए है हम आंखें बंद करके कोई सौदा नहीं करना चाहते आंखें खोल के माल लेना चाहते हैं हम आंखें बंद नहीं करना चाहते इसलिए कि मजहब ने भी इस्लाम ने भी हमें आंखें खोलने के लिए कहा है आंखें बंद करने के लिए मना किया है किताबुल्लाह तू ही कहती है कि तुम गौर क्यों नहीं करते तुम फिक्र क्यों नहीं करते तुम सोचते क्यों नहीं हो तो तेरी इसी हिदायत पर अमल करते हुए हम गौर कर रहे हैं हम फिक्र कर रहे हैं हम सोच रहे हैं तू हमको बता तो सबसे पहले हमने कुरान मजीद से अहब रसूल के बारे में सवाल किया किताबुल्ला तू हमें साहबा क्राम का किरदार पेश कर और हमें बता कि साहबा कराम के बारे में कि वो कैसे थे तो कुरान बोला अल्लाह की किताब बोली इसलिए कि सहाबा सबसे बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनकी तादाद लाखों में है सहाबाया की तादाद लाखों में है वो जो लाखों में फैले में हैं उनके बारे में हमने हाथ जोड़ के कुरान से सवाल किया तो कुरान बोला उनकी मधा में बोला उनकी तारीफ में बोला कहा ये बड़े अच्छे लोग हैं बड़े अल्लाह वाले लोग हैं इनकी मदा की कुरान ने इनकी तारीफ़ की कुरान ने और उसके बाद कहीं पर कुरान ये बोला कि ये आपस में तो बड़े रहम दिल हैं सुनिएगा ये आपस में तो बड़े रहम दिल हैं काफिरों पर दुश्मनों पर अल्लाह और रसूल के मुखालिफों पर ये बड़े सख्त हैं बड़े रिजिड हैं इनके साथ बड़ी सख्ती और गैर पेश आते हैं तो कुरान ने इनके कैरेक्टर की तारीफ़ की कुरान ने इनके किरदार की तारीफ़ की क़ुरान ने इनकी मदा की कि ये अच्छे हैं ये नेक दिल हैं ये रहम दिल हैं ये जब आपस में मिलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो बहुत ही रहम के साथ मोहब्बत के साथ अखलाक़ के साथ एक दूसरे से पेश आते हैं लेकिन जब ये यह हैं, रसूल से मिलते हैं अल्लाह के मुखालिफ से मिलते हैं तो बहुत सख्त होकर मिलते हैं इनका अंदाज उनसे अच्छा नहीं है यह इनकी मदा में हमें आयत नजर आई इसके बाद हमने कुरान के और औरक को पलटना शुरू किया और अल्लाह की किताब से हाथ जोड़ के सवाल किया गया एक किताबुल्लाह तू हमें इनके बारे में और कुछ बता तो किताबुल्लाह ने और बोलना शुरू किया और बयान करना शुरू किया लेकिन अब जो किताबुल्लाह बोली तो हजरा सा हम चौंके हम अलर्ट हुए हम होशियार हुए कि भाई ये मामला क्या है अभी तक तो तारीफ हो रही है लेकिन उसके बाद कुरान के तेवर अचानक बदले और कुरान कहता है कि सहाबा में कुछ लोग ऐसे भी थे कि हुजरों के पीछे से जा जा के रसूल को आवाज देते थे पुकारते थे सूरह हुजरात उठा के देख लीजिए आप पढ़ लीजिए आपको मिल जाएगा कुरान उनको डांट रहा है मना कर रहा है उनको अच्छी नजर से नहीं देख रहा है जो रसूल को हजरों को पीछे से जा जा के पुकार रहे हैं आवाज दे रहे हैं इसके बाद और आगे हम पढ़े फिर हमने किताबुल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह की किताब तू हमें इनके बारे में और कुछ बता तो कुरान ने फिर बोलना शुरू किया कि ये आपको आवाज देते हैं आपको पुकारते हैं इनका पुकारना अच्छी बात नहीं है किसी बड़े को किसी बुजुर्ग को किसी मोहतरम शख्सियत को नाम लेके इस तरीके से आवाज दे के बुलाया और पुकारा नहीं जाता कहीं पर कुरान ने यह आयत हमको पेश की उसके बाद मंजिल आगे बढ़ी जहां पर कुरान कह रहा है कि देखो रसूल के सामने बुलंद और ऊंची आवाज से गुफ्तगु ना करना रसूल के सामने बुलंद और ऊंची आवाज से बात ना करना कुरान ने रोका डांटा मना किया ये न कहिएगा कि यह कुरान काफिरों को डांट रहा है काफिरों को रोक रहा है काफिरों को मना कर रहा है काफिर तो कुरान को मानते ही नहीं हैं तो कुरान की बात का काफिरों पर असर क्या होगा सामने की बात है आप जिस चीज को मानते ही नहीं तो वो लाख कुछ कहता रहे वो किताब लाख कहती रहे आपकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कुरान ने मना किया कि देखो ऊंची आवाज में बुलंद आवाज में रसूल के सामने गुफ्तगू ना करना इसका मतलब यह हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो रसूल के सामने बैठ के बुलंद और ऊंची आवाज में बात करते थे देखिए बुलंद और ऊंची आवाज में बात करने का मामला यह है कि अच्छे महजब बड़े और पढ़े लिखे घरानों की कुछ तहजीब होती है उनका अपना कल्चर होता है उनकी अपनी तहजीब होती है जो पढ़े लिखे लोग हैं जो महजब घराने हैं जो बड़े लोग हैं जो शराफा हैं जो तालीम याफ्ता हैं उनके घर का दस्तूर यह है कि बड़ों के सामने कैसे बैठा जाए बड़ों के सामने कैसे गुफ्तू की जाए बड़ों के सामने कैसे बोला जाए जा, वो एटिकेट्स जानते हैं मैनर्स जानते हैं कल्चर जानते हैं उठना बैठना जानते हैं कि बाप के सामने दादा के सामने चचा के सामने बुजुर्ग के सामने कैसे बात की जाती है कैसे बोला जाता है कैसे गुफ्तगु की जाती है लेकिन जाहल घरानों में बदतमीज़ घरानों में गैर महजब घरानों में अन सोसाइटी में जो कुछ नहीं जानते उनके यहाँ न कोई बड़ा बड़ा है न छोटा छोटा है वो कुछ जानते ही नहीं हैं इसका मतलब यह है कि रसूल की बज़ में रसूल के आने पास आने जाने वालों में सहाबाए रसूल में कुछ इतने बदतमीज साहबी भी थे जिनको रसूलुल्लाह के सामने बैठ के बात करने की तमीज नहीं थी तभी कुरान उनको डांट रहा है झड़क रहा है कुरान ने डांट के झड़क के मना कर दिया कि देखो रसूल के सामने ऊंची और बुलंद आवाज में बात ना करना इसके बाद फिर कुरान आगे बोला कहा अगर तुम्हें मालूम ही करना है अगर तुम कैरेक्टर और किरदार मालूम ही करना चाहते हो तो पूरा किरदार मालूम कर लो और सुनो और सुनो तुम एक लफ्ज है जिसको कुरान ने बैन किया है मना किया है कहा देखो जब तुम मेरे हबीब के पास आओ तो ये लफ्ज़ ना बोलो इस लफ्ज़ को कुरान ने बैन किया इसलिए कह देखिए हर जबान में ऐसा होता है लफ्ज़ एक है मगर उसके कई मीनिंग होते हैं कई माने होते हैं कभी एक लफ्ज़ के अच्छे माने भी हैं और ख़राब मानों में भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल होती है अच्छे माने भी हैं और बुरे माने भी हैं तो कुछ लोग कुछ सहाबा क्राम रसूल की खदमत में आते थे और एक लफ्ज़ है जो रायना है रायना वो रसूल के सामने आके बोलते थे क़ुरान कहता है कि वो लफ्ज़ रायना रसूल के सामने ना कहो लातल रायना रायना मत कहो इसलिए कि इसके डुअल मीनिंग हैं, दोहरे माने हैं अच्छे माने भी हैं बुरे माने भी हैं अच्छा इसका मतलब यह है कि ऐसी लफ्जें जो दो माना हों उसको कुरान ने बैन किया है कि मेरे हबीब के सामने आके ना बोलो इसलिए कि उसके गलत और माजूब माने भी सामने आते हैं एक किताबुल्लाह और कुछ हमको बता के एक मरतबा कुरान फिर बोला और वो बोला जो आप हर जुमे में पढ़ते हैं हर जुमे की नमाज में पढ़ा जाता है सूर सूर्य जुमा उठा के देख लीजिए कि आपको नमाज में छोड़ के चले जाते हैं आपको नमाज में छोड़ के चले जाते हैं यानी रसूल ने नमाज शुरू की जमात शुरू हुई और उसके बाद ये तिजारत के लिए लहलाब के लिए खेलकूद के लिए आपको नमाज में छोड़ के चले गए कुरान इनको डांट रहा है कुरान इनको मना कर रहा है अरे अब तो खुदारा ये ना कहिए कि ये कुरान काफिरों को डांट रहा है इसलिए कि काफिर रसूल के पीछे जुमे की नमाज थोड़ी पढ़ेगा काफिर फिर रसूल के पीछे नमाज छोड़ी पढ़ेगा वो तो नमाज ही नहीं पढ़ेगा वो तो नमाज ही को नहीं मानता तो क्या जुमा क्या पंजगाना उसके लिए तो नमाज है ही नहीं कुछ वो तो खुदा को मानता ही नहीं वो तो खुदा के रसूल को मानता ही नहीं क्या आपको नमाज में छोड़ के चले जाते हैं अब जरा ठहरिए यहां पर एक मिनट ठहर करके एक मामले को जल्दी से देखिए और समझिए आज का मुसलमान हम जिसमें हम भी शामिल हैं हम यह कहते हैं अरे साहब उस जमाने का क्या कहना रसूलुल्लाह के जमाने में अरे सब सहाबी रसूल थे अच्छे मुसलमान थे क्या कहना उस जमाने के लोगों का बेशक तब तारीफ कर लीजिए कह लीजिए कि अच्छे मुसलमान थे अच्छे लोग थे सहाबी थे रसूल की बज़ में उठने बैठने वाले थे रसूल के हाथ को बोसा देने वाले थे रसूल के पीछे नमाज पढ़ने वाले थे मगर सब अच्छे नहीं थे तो गिरामी सब अच्छे नहीं थे मेरा यह कहना है मेरा चैलेंज है इस मजलिस में मैं चैलेंज कर रहा हूं आलम इस्लाम को कि आज का मुसलमान बहुत गलत है मैं मानता हूँ बहुत ख़राब मुसलमान है मुसलमानों की आदतें अच्छी नहीं हैं मुसलमानों के अतवार अच्छे नहीं हैं मुसलमान बहुत ख़राब है सब मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ सारे मुसलमान नहीं इसलिए कि कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो आज भी मस्जिदों में दहशतगर्दी करते हैं कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो आज भी मुसलमानों को कत्ल करते हैं कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिन पर आज दहशत गर्दी का टैग लगा हुआ है कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिनकी नज़र में बुज़ुर्गों की कबरों पर कुब्बों का बना होना जायज़ नहीं है कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो बुज़ुर्गान इस्लाम की रसूल की बेटी की रसूल के घर वालों और खानदान वालों की कब्रों पर साया बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसे मुसलमान भी हैं मगर बहुत खराब मुसलमान हैं मगर मैं सरे मिंबर आपकी खदमत में अर्ज कर रहा हूं कि आज जितना गलत मुसलमान हो जितना ही खराब मुसलमान क्यों ना हो वो अगर जमात में इमाम के पीछे खड़ा हो गया नियत करके तो जब तक के नमाज तमाम नहीं होगी उस वक्त तक वो जमात में खड़ा रहेगा मुसल्ले पर खड़ा रहेगा नमाज पढ़ता रहेगा भले उसका जहन कहीं और हो भले वो सोच कुछ और रहा हो भले उसका जहन कोई प्लानिंग कर रहा हो भले उसके जहन में कोई नक्शा खींच रहा हो मगर वो जमात में पीछे हाथ बांधे हुए खड़ा हुआ है वो जमात छोड़ के जाएगा नहीं अब फैसला करना आपका काम है कि ये मुसलमान अच्छा है कि वो मुसलमान अच्छा है ये मुसलमान जो खाती इमाम के पीछे जो गुनाहगार इमाम के पीछे नमाज पढ़े नियत करे मगर नमाज को आखिरी मंजिल तक पहुंचा ले उसके बाद जमात से हटे वो अच्छा है या वो सब मुसलमान अच्छा है जो रसूल को नमाज में पीछे छोड़ के चला जाए ये अच्छा है कि वो अच्छा नमाज में रसूल को पीछे छोड़ के चले गए तो कुरान ने अजीजों हमको दो कैरेक्टर पेश किए कुरान मजीद ने हमको दो किरदार पेश किए अच्छा किरदार भी है बुरा किरदार भी है अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं कुरान तारीफ भी कर रहा है कुरान मजम्मत भी कर रहा है कुरान अच्छाई भी कर रहा है कुरान बुराई भी कर रहा है उसके बाद हमने हाथ जोड़ के कुरान से सवाल किया आए किताबुल्लाह अब तू हमें अजवाज रसूल के मुतल बयान कर रसूल की बीबियों का किरदार कैसा था इसलिए कि अब इसके बाद जिनका नंबर आया वो अजवाज रसूल हैं सहाबा तो लाखों की तादाद में हैं लेकिन अजवाज रसूल कहते हैं वक्त वफाते रसूल नौ बीबियां थीं, नौ हो या ग्यारह हो मुझे उससे कोई बहस नहीं है तो कुरान इनके वास्ते बोला कुरान बोला और कुरान ने कहा एन नबी की बीबियों एन नबी की बीबियों तुम आम औरतों जैसी नहीं हो कलेजा थाम के सुनिएगा यह कोई हदीस नहीं है कुरान है नबी की बीवियों तुम आम औरतों की जैसी नहीं हो फिर सुनिए कुरान क्या कह रहा है अ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की जैसी नहीं हो इसका मतलब यह है कि अगर कोई नबी की बीवी है तो आम औरतों जैसी नहीं है आम औरतों से अलग है तो अगर नबी की रिश्तेदारी आम औरतों से अलग कर देती है तो नबी आम इंसानों का जैसा कैसे हो जाएगा आज आवाजें उठती हैं आज तहरीरें सामने आती हैं आज ऐसी किताबें आती हैं सामने जिसमें यह लिखा है कि अरे नबी तो हमारे ही तरह के हैं जैसे हम हैं वैसे रसूल हैं हम में और रसूल में फर्क ही क्या है अमां जब हमारी माए नबी की बीवियां आम औरतों की जैसी नहीं हैं, तो रसूल आम औरत इंसानों का जैसा कैसे होगा औरतों की जैसी नहीं हो और उसके बाद कुरान बोला नबी की बीवियों अगर तुम नेकी करो तो तुम्हें दोहरा सवाब मिलेगा डबल शेयर मिलेगा और अगर तुमने गुनाह किए तो तुम्हें दोहरा अजाब मिलेगा कंडीशनल जुमला है अगर लगावा है अगर तुमने नेकी की तो तुम्हें दोहरा शेयर दोहरा सवाब नबी की बीवी हो ना नबी से रिश्तेदारी है रिश्तेदारी की बुनियाद के ऊपर शेयर डबल है हिस्सा दोहरा है तकसीम होता है ना हिस्सा मजलिस में कि सबको एक एक मिल रहा है कोई ख़ास आया तो उसको दो दे दिए रोटी बट रही है पब्लिक को एक मिल रही है कोई ख़ास आया तो उसको दो मिल गई उसको दो दे दी शीरमाल है दो दे दी हिस्सा है डबल दे दिया वैसे कुरान भी नबी की बीवियों को जो शेयर दे रहा है वो डबल शेयर दे रहा है का अगर तुम नेक अमल करोगी तुम्हें दोहरा हिस्सा दोहरा सवाब और अगर तुमने गलत काम किए अगर तुमने गुनाह किया तो तुम्हें दोहरा आजाब है इसमें भी तुम्हारे आजाब का शेयर डबल मिलेगा तुमको तो इसका मतलब यह है कि कुरान ने कंडीशनल जुमला लगा करके बता दिया नबी की बीवियों से अच्छाइयां भी हो सकती हैं नबी की बीबियों से गुनाह भी हो सकते हैं नबी की बीवियां गुनाहगार भी हो सकती हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं कुरान कह रहा है उठा के देख लीजिए उसके बाद कुरान बोला उसके बाद कुरान कहता है कहीं पर नबी की बीवियों के लिए कुरान बोला देखिए मैं अर्ज़ कर चुका एक मजलिस में कि ये अरबी ज़बान है इसमें तीन तरह के सीखे हैं वाहिद एक के लिए तस्निया दो के लिए जमा दो से ज़्यादा के वास्ते वाहिद तस्निया जमा लेकिन अब जो कुरान बोला तो तस्निया के सीखे में बोल रहा है यानी किन्हीं दो बीवियों को कुरान एड्रेस कर रहा है कुरान कहता है कि तुम दोनों के दिल टेहड़े हो गए हैं तुम दोनों के दिल टेहड़े हो गए अब कुरान ने नाम नहीं बताया कि किन दोनों के दिल टेहड़े हो गए हैं कुरान तसनीय के सीगे में बात कर रहा है कि तुम दोनों के दिल टेहड़े हो गए हैं अब कौन दो हैं जब कुरान ने नाम नहीं बताया तो हम कौन होते हैं नाम बताने वाले हमें नहीं मालूम लेकिन हां इतनी बात जरूर है यह बात तो मैं जरूर जानता हूं कि जनाब खतीजा वो बीवी हैं जिनकी जिंदगी में रसूलुल्लाह ने दूसरा अगद नहीं किया अपनी पूरी जिंदगी खतीजा अकेली बीवी रही रसूलुल्लाह ने दूसरी शादी नहीं की रसूलुल्लाह ने दूसरा अग्द नहीं किया जब तक कि खतीजा जिंदा रही अकेली रही सिंगल रही वाहिद के सी में रही इसका मतलब यह है कि इन दो बीवियों में खतीजा शामिल नहीं है खतीजा शामिल नहीं है यह कुरान है कुरान उठा के देखिए आपको मिल जाएगा एक किताबुल्लाह तूने हमें असाब का किरदार बयान किया तूने हमें अजवाज के बारे में बताया अब हाथ जोड़ के तुझसे गुजारिश है कि इसी तरह से तू हमको अहले वैद के बारे में भी बता और उनका कैरेक्टर और उनका किरदार भी पेश कर जिनकी तादाद बाद वफ़ात रसूल चार है रसूल की जिंदगी में पंजतन रसूल के बाद चार किसान में पंजतन है मुबाहले में पंजतन है रसूल अली फातिमा हसन हुसैन मुबाहले में रसूल अली फातिमा हसन हुसैन रसूल दुनिया से सिधारे तो चार बचे अली फातिमा हसन हुसैन अली फातिमा हसन हुसैन हमने कुरान से सवाल किया हमने कुरान से पूछा कि कुरान तू अहले बैत के बारे में बता तो कुरान ने अहले बैत के बारे में बताया कुरान ने अहले बैत का किरदार पेश किया कुरान ने अहले बैत का कैरेक्टर पेश किया जरा कलेजा थाम के सुनिएगा कुरान ने के बारे में जब हमें बताया तो हमें अच्छी और बुरे कैरेक्टर पेश किए अच्छा या बुराई दोनों बयान की जब अजवाज के बारे में बताया तो अच्छा या बुराई दोनों बयान की यानी माइनस, और पॉजिटिव लेकिन जब कुरान से अहले बैत के बारे में पूछा हाथ जोड़ के सवाल किया कि कुरान तू हमें बैत के बारे में बता तो कुरान बोला के आप तो चाहते ही नहीं मगर वही जो खुदा चाहता है मगर वही जो खुदा चाहता है इसका मतलब यह है कि अहले बैत वो चाहते ही नहीं जो अल्लाह ना चाहे यानी जो अल्लाह चाहता है वो अहले बैत चाहते हैं जो अहले बैत चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है कुरान ने अहले बैत का कैरेक्टर पेश किया अहलेबैत का किरदार पेश किया कहीं पर कुरान बोला इन्नमा यरीदुल्लाह अलैहि जुबान को मुरिसा अहले बैत व वायत ताहिरकुम तथीरा कहीं पर कुरान बोला वकुल शयइन ऐसा ना फी मुबीन कहीं पर कुरान बोला इन्नमा वलीकुम अल्लाह व रसूलहु वल्लजीना आमनुल्लजीना युकीमुनस सलाता व यतूनस जकाता व हुम राकिऊन पता ये चला कि क़ुरान इनकी मदह कर रहा है कुरान इनकी तारीफ़ कर रहा है कुरान इनकी मदह में कसीदा पढ़ रहा है कहीं सूरह दहर इनकी तारीफ़ कर रहा है कहीं आया नजवा इनकी तारीफ़ तारीफ कर रही है कहीं आया इस्तलाफ इनकी तारीफ़ कर रही है कहीं आया विलायत इनकी तारीफ़ कर रही है कहीं कुरान के सूरह इनकी मदह सराई कर रहे हैं तो यह अहले वैत है हमने अहले वैत को माना कल इनशा इसके आगे अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा आज वक्त तमाम है बात भी यहीं पर तमाम है मैंने बात को बस यहीं पर रोक दिया ब्रेक लग गया बयान को कल सिलसिला आगे बढ़ेगा आज बस इतना ही कि मोहम्मद का नवासा सरजमीन करबला पर आ गया हुसैन सरजमीन करबला पर पहुंच चुके करबला की जमीन तुझे मुबारक हो लेकिन अजीजों जब हुसैन मक्के में थे तो कूफे वालों ने खत पर खत लिख के हुसैन को बुलाया और हुसैन से कहा कि आका आइए कूफे तशरीफ़ लाइए इसलिए कि कूफा बग़ैर इमाम के है हमारे पास इमाम नहीं है हम बग़ैर इमाम के हैं जब ख़त पर ख़त आना शुरू हुए तो इब्ने अली ने अपने भाई मुसलिम इब्ने अकील को अपना जानशीन बना के अपना नायब बना के अपना सफ़ीर बना के कोफे रवाना किया और यह फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान अफ़ह अहले बैत अपने भाई मुस्लिम इपने अकील को भेज रहा हूँ मुस्लिम हुसैन के भाई थे मुस्लिम अकील के बेटे थे अकील नसाब अरब के माहिर थे अकील वो हैं जिनसे मौला अली ने कहा था भाई अकील ऐसा घराना बताइए जहाँ मैं शादी करूँ जहाँ मेरे एक ऐसी औलाद हो जो मेरे बाद जखीरा हो ये हैं जनाब अकील इनके फ़र्जंद हैं जनाब मुस्लिम मुस्लिम कोफ़े आए मगर अफसोस कोफे वालों ने मुस्लिम के साथ वफा ना की मुस्लिम कोफे में नमाज़ पढ़ा रहे थे नमाज़ शुरू की मस्जिद भरी हुई थी लेकिन जब मुस्लिम ने नमाज़ को तमाम किया तो सफ़े खाली हो चुकी थी मुस्लिम को अकेला छोड़ के वो नाम नाम नमाजी वो सोकार्ड नमाजी नमाज छोड़ के मस्जिद छोड़ के इबादत छोड़ के मस्जिद से बाहर जा चुके थे हुसैन ने अपना सफीर बनाया अजीजों मुस्लिम सफीर हुसैन हैं, सफीर तो आप जानते हैं ना मुल्कों के भी सफ़ीर होते हैं लोग अपना सफ़ीर बना के किसी को भेजते हैं हमारे मुल्क के सफीर भी दूसरे मुल्कों में जाते हैं दूसरे मुल्कों के सफ़ीर भी हमारे मुल्कों में रहते हैं मगर सफ़ीर एक होता है एम्बेसडर एक होता है सफ़ीर एक होता है दो नहीं होते हमारे मुल्क का सफीर किसी दूसरे मुल्क में जाएगा तो एक होगा दूसरे मुल्क का सफीर हमारे मुल्क में आएगा एक एग होगा एम्बेसडर एक होगा सफीर एक होगा यह सफीर एक है मगर पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है पूरे मुल्क का नुमाइंदा है इसकी इज्जत पूरे मुल्क की इज्जत है इसकी तोहीन पूरे मुल्क की तोहन है मुल्क की पॉलिसी इसके पेश नजर जो मुल्क तय करेगा उसको यह मुल्क में अमल करेगा उस पर अमल दरामद कराएगा वो बातचीत करेगा मुल्क का नुमाइंदा होकर के उस मुल्क में रहता है हुसैन ने अपना सफीर बना के मुस्लिम को भेजा हुसैन कौन है आप पहचानिए पहले यह पहचानिए कि हुसैन कौन है उसके बाद आपकी समझ में आएगा कि मुस्लिम कौन है हुसैन मासूम हुसैन इमाम मुंतखब मंतख है परवरदिगार हैं, हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं, हुसैन अली व फातिमा के फर्जंद हैं क्या मरतबा है हुसैन का बात यहीं पर नहीं तमाम होगी यहीं पर मामला आगे रुकेगा नहीं के फर्जंद मुस्तफ़ा हैं अली और फातिमा के बेटे हैं मासूम हैं इमाम हैं नहीं नहीं, एक बात और याद दिलाऊं आपको ज्यारत वारसा में आप क्या पढ़ते हैं वालेका या वारसा आदम सिफ़तुल्लाह, अरे आदम के वारिस आप पर सलाम नू के वारिस आप पर सलाम इब्राहिम के वारिस आप पर सलाम मूसा के वारिस आप पर सलाम ईसा के वारिस आप पर सलाम अंबिया का नाम हुसैन पर सलाम किया जाता है इसलिए कि हुसैन तमाम अंबिया के वारिस हैं तमाम अंबिया के सफात और कमालात को अपने अंदर समेटे में हैं तमाम अंबिया की विरासत हुसैन के पास है एक लाख चौबीस हजार की विरासत है हुसैन के पास इमामत है हुसैन के पास जन्नत की सरदारी है हुसैन के पास हुसैन हुसैन के के पास मोहम्मद बेटे हैं अली और फातिमा के हैं हुसैन अब समझिए जो हुसैन का सफीर हो जो हुसैन का नुमाइंदा हो वो कौन होगा वो एक लाख चौबीस हजार का नुमाइंदा होगा वो जन्नत के जवानों के सरदार का नुमाइंदा होगा वो मासूम का नुमाइंदा होगा वो इमाम का नुमाइंदा होगा वो फरजंदे मोहम्मद का नुमाइंदा होगा वो अली और फातिमा के बेटे का नुमाइंदा होगा अब जो मुस्लिम की इज्जत करे उसने एक लाख चौबीस हजार को सलाम किया जो मुस्लिम को शहीद कर दे उसने एक लाख चौबीस हजार की तोहन की यह है मुस्लिम इब्ने अकील जमाना खराब था हालात पूरा अशोभ थे रात का वक्त था मुस्लिम को प्यास लगी थी एक दरवाजे पर आके रुके एक खातून निकली उसने पूछा क्या बात है मुस्लिम ने उससे पानी मांगा यह कूफा है जहां मुस्लिम को पानी मिल गया उस औरत ने पानी लाके दिया मुस्लिम ने पानी पिया कुछ वक्त गुजरा तो उस औरत ने कहा जिसका नाम तवा था कि शख्स तू मुझे मुसाफिर नज़र आता है हालात ख़राब हैं ज़माना अच्छा नहीं है तू जहाँ जा रहा है चला जा यहाँ ना बैठ कि एक मरतबा मुस्लिम ने ठंडी सांस ली और कहा कि वो कहाँ जाए जिसका कोई घर ना हो जो परदेसी मुसाफिर हो वह अहिल वैत की चाहने वाली बीवी थी उसने हाथ जोड़ के सवाल किया कि तेरा नाम क्या है तुम्हारा नाम क्या है मुस्लिम अपना नाम बताया अपना खानदान बताया अपना कबीला बताया उसने अपने घर के दरवाजों को खोल दिया कहा आप अली के भतीजे हैं आप हुसैन के भाई हैं अपने घर के दरवाजों को खोल दिया लीजिए मुस्लिम उस औरत तवा के घर में आए रात भर मुस्लिम ने इबादत की जिस तरह हुसैन ने शब आशूर गुजारी जनाब मुस्लिम ने तो के घर में उसी तरह से रात गुजारी रात गुजरी रात तमाम हुई जब सुबह हुई कि एक मरतबा मुस्लिम ने नमाज सुबह को अदा किया और कुछ महसूस किया कि जैसे फौजें हैं जो उस औरत के घर की जानब आगे बढ़ रही हैं जनाब मुस्लिम ने अपने जिसम में असलहों को बांधना शुरू किया इसल कसना शुरू किए कि एक मरतबा तोा आगे बढ़ी और तोा ने आगे बढ़कर कहा मुस्लिम कहाँ का इरादा है कहाँ जा रहे हैं तो जनाब मुस्लिम ने कहा अरे औरत ये लश्कर मुझे गिरफ्तार करने आ रहा है मुझे कत्ल करने आ रहा है मैं नहीं चाहता कि तेरे घर की बेपर्दगी हो तेरी बेपर्दगी हो तेरे घर में दर्रा फौजें घुसाएं मैं कहूंगा जनाब मुस्लिम आपको एक औरत के पर्दे का इतना ख्याल है मगर बाद शहादत हुसैन आइए यही गुफा है एक रसन में बारह गले बंधे हैं जैनब के सर पर चादर नहीं है उमे कुलसूम बेरिदा है ये खानदान नबूत की शहजादियां हैं वाह हुसैना, वाह मजलूमा की सदाएं